सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर। सोनीपत में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। आज एक दिन दहाड़े पेट्रोल पंप से कैशियर से नकदी का थैला छीनकर दो लुटेरे फरार हो गए। गनीमत रही कि सेल्समैनों ने हिम्मत जुटाकर उनका पीछा किया और तकरीबन 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद एक लुटेरे को पकड़ने में कामयाब हो गए, जिसे पकड़ने के बाद पुलिस को सौंपा गया। K9 मीडिया के लिए सोनीपत से राजेश आहूजा की रिपोर्ट। इसने क्या कदम उठाया? ये जैन सिंह पेट्रोल पंप सेक्टर 12 में वहाँ से सूचना मिली थी भाई, एक लड़का बाइक पर आया था जो पैसे तेल डलवा गया और पैसे छीनके भाग गया। दो मात्रों ने मौके पहुँचे, वहाँ नहीं मिले। उसके बाद उनको पीछा किया था, उन्हें पकड़ लिया था, पकड़े पुलिस के हवाले कर दिया है, मोटरसाइकिल हवाले कर दी, उनको हमने कब्जा पुलिस ने ले लिया है, तफ्तीश जारी है। किसको किस मामले में सजा सुनाई? ये श्री आर पी गोयल की कोर्ट से हुआ है ये डिसीजन। और ये हरीश है जो पहले सजा आपता था, पैरोल पर आकर ही नखर खोद दे 5 बंदों को गोली मारी, जिसमें 3 बंदे मौके पर मर गए थे, 2 बच गए थे। आज इसको फांसी की सजा करी है और एक सतेंद्र मुलजिम है जो वो फरार है, उसको गिल्टी होल्ड कराया गया है। 2 मुलजिम इसमें है, वो भी आज बरी करे गए हैं। किस क्या केस चल रहा था सर इन पे, क्यों गोली क्यों मारी थी उन्होंने? 302 का केस था, ऑनर किलर 302 का केस था। पूरे परिवार को ही गोली मारी थी सर? हाँ, पूरे परिवार को गोली मारी थी। इनमें से 3 मौके पर मर गए थे, 2 बच गए थे। ठीक। ये भी इसने ओके में ले लो।